अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप खा निषाद कोली समाज के आप सब लोग हिंदुस्तान से आए हुए हैं, हर प्रांत से आए हुए हैं। दो दिन का जो अपना अधिवेशन यहाँ नई बंबई में हो रहा है, मैंने तो कल ही आपको कहा है शिव छत्रपति के पावन भूमि में आपका सबका स्वागत हो रहा है। अभी मैं सबका आभार करता हूँ, आज आप लोगों ने हर प्रांत से आए हैं, हर प्रांत की समस्या यहाँ बताई है, हर प्रांत की समस्या बताई है, हर प्रांत की समस्या अलग अलग है। हमने सब बात दो दिन से सुन रहे हैं और सुनी है, उसके बाद ये प्रस्ताव पास हुआ है। करीब 9 प्रस्ताव यहाँ पे पास हुए हैं। आप सब लोग ने नवी प्रस्ताव को पारित किया है और प्रस्ताव को समर्थन दिया है, इसलिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। मैं तो ये बात करना कहने जा रहा हूँ कि एक प्रस्ताव आप मछुआरों के लिए किया, उसके लिए जो हमारे महाराष्ट्र में जो मछुआरे हैं उनका बहुत सारा प्रॉब्लम है, कितने सालों से हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन आज आपने जो प्रस्ताव पास किया है, इसलिए मैं ये कमेटी का, अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कमेटी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने बहुत सारा अच्छा काम किया है। हमने सुना है दो दिन में जो जो कठिनाई थी, जो जो अपने प्रॉब्लम से, जो जो अपनी कठिनाई को कैसे सॉल्व करना चाहिए, अपना जो भारत सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से और पूरे प्रांत के जितने सरकार है इंडिया में, उनको जाके अपना प्रस्ताव पारित करना है, उनको प्रस्ताव देना है। लेकिन अपन कब ये कर सकते हैं कि आज अपन इकट्ठे हुए हैं, आज महाराष्ट्र से नहीं तो पूरा हिंदुस्तान से अपन सब लोग यहाँ आए हैं, एकजुट होके आए हैं। एकजुट होने से सब हमारे नेता लोग ने आपको उसका परिचय करके दिया, उसको सब संबोधित किया। अपन एक होने से कितनी ताकत बढ़ती है, वो ताकत क्या है वो आज आप सब लोग ने बताया। क्यों कि आपने जो प्रश्न है, जो समस्या है, वो छुड़वाने के लिए अपन इकट्ठा हो रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मैं देहरादून में गया था, उत्तराखंड में गया था, उस वक्त में भी यही बात उठी और हमने महाराष्ट्र में आने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया। हम तो बहुत खुशी है हम लोगों को कि आप लोग महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र के पवन भूमि आए, छत्रपति के पवन भूमि में आ पाए और हमको स्वागत करने का हमको मौका दिया आप लोगों ने, बहुत बड़ी अच्छी बात है। आप यहाँ आ गए, सब प्रस्ताव पारित हो गए, हम सबको धन्यवाद देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो आने वाला अपना 11-12 दिसंबर का जो अधिवेशन होने वाला है, तो मेरी विनंती है जो आप सब लोग यहाँ आए वैसे छत्तीसगढ़ में जाए और सब लोग ने सेवा करें। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।